नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, मक्का निकालने के लिए आज हम आपको बहुत ही कमाल का थ्रेशर दिखाने वाले हैं जो कि स्टार एग्रीवर्क्स की तरफ से आता है। तो स्टार वालों ने बहुत बड़ा कमाल करा है कि भारत में पहली बार 5 फैन के साथ आपको ये मक्का का थ्रेशर मिल रहा है। अब 5 फैन होने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला, कितनी सफाई के साथ ये मक्के को निकालेगा, तो इसके बारे में और इसके अन्य फीचर के बारे में डिटेल से आपको जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम एलिवेटर से। एलिवेटर आप देखेंगे तो ये आप सीधी इसके ट्रॉली लोड कर पाएंगे। अगर ट्रॉली लोड नहीं करके आपको बोरी भरनी तो यहाँ से कर पाएंगे। इधर ये वर्म दिया गया है जो कि क्योंकि मक्का का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने यहाँ से वर्म दिया है और फिर ये एलिवेटर में जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मैं आपको बताऊँ, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ज़्यादा कितनी भी ज़्यादा मक्का आएगा तो भी उठा के ट्रॉली लोड कर लेगा। इधर की तरफ आ जाता है तो आपको हेवी बेल्टें और हेवी पुल्ली के साथ मशीन मिल जाएगी। ये स्टार एग्रीवर्क्स का फ्री टूल किट आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको ये पाने वगैरह सारी जरूरत की पीने तक आपको मिल जाएगी। यानी कि आपको इस मशीन को खोलने फिट करने के लिए किसी प्रकार के अन्य पाने खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर की बात करें तो आपको 2 व्हील के साथ ये थ्रेशर मिल रहा है और ये जो गेयर बक्सा दिख रहा है आपको, इसको दोस्तों, तो ये जो एक रेड्यूसर गेयर बॉक्स लग रहा है जो कि पीछे कन्वेयर को चलाएगा, इसको लगाने का फायदा क्या? इसको लगाने का फायदा नो मेंटेनेंस, यानी कि इसको लगाने के बाद किसी प्रकार का मेंटेनेंस आपको नहीं मिलेगा। वैसे दोस्तों, अगर रेड्यूसर गेयर बॉक्स की बात करूं तो आपको भारत में सिर्फ स्टार थ्रेशर में ही ये रेड्यूसर गेयर बॉक्स देखने को मिलेगा। बाकी ये पुली यहाँ पे शाफ्ट के साथ आपको दी गई है और ये शाफ्ट का काम क्या है कि ये अंदर घूमता रहेगा, जिससे कि काम करने की इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। ये बुट्टे को आगे पूरा आगे तक धकेल के आएगा, इससे इसकी क्षमता बढ़ी जाएगी। अब उसी तरफ वापस चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसका अगला फीचर क्या खास है। इसलिए अगर दोस्तों बात की जाए तो मुझे काफ़ी पसंद आया है स्टार का थ्रेशर, क्योंकि 5 फैन के साथ मैंने पहली बार थ्रेशर देखा। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों, मैंने 5 फैन बताया तो मैं आपको पूरे के पूरे 5 फैन आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ है। दोस्तों, 1 फैन ये लग रहा है, इसमें सबसे हल्का छिलका जो अपने भुट्टे पे आता है या फिर उसके जो बाल टाइप के जो भी आते हैं वो इस फैन के साथ निकलेंगे। दूसरा फैन आप यहाँ देखिए दोस्तों, ये दूसरा फैन इस पूरे छलने पे हवा देने के लिए, ये हो गया दूसरा फैन। यहाँ पे दोस्तों, अगर कोई ज़्यादा कंकर वगैरह जो भी रह जाता है तो उस तरह का सामान यहाँ के नीचे डेरी अलग से लग जाएगी। बाकी बढ़िया फ्रेश माल आपको उधर मिलेगा जो एलिवेटर के साथ आप ट्रॉली में लोड करेंगे। ब्रांडिंग देख ही सकते हैं स्टार एग्रीकल्चर वर्क्स की, इतना लंबा छलना है कि आराम से मक्का इसमें छल के निकल जाएगा और बढ़िया क्लीन भी हो जाएगा। अब पीछे की तरफ आ जाते हैं, 2 फैन मैंने उधर बताया, 2 फैन यहाँ लग रहे हैं। यहाँ पे इसका छिलका वगैरह आता रहेगा। यहाँ पे आपको फिल्टर दिया गया है जिसको आप नट बोल्ट की सहायता से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और फिल्टर का काम आपको पता ही है कि माल की क्लीनिंग के लिए ही इसको लगाया जाता है। 1 व्हील जैसा कि मैंने 2 व्हील बताया था, 1 व्हील आगे की तरफ होगा, 1 व्हील ये पीछे की तरफ हो गया। यहाँ से मक्के का अंदर का जो भी डंठल वगैरह जो बोलो वो यहीं से आके नीचे गिरेगा और बाकी जो छिलके वगैरह है जो उड़ के उधर की तरफ चले जाएंगे। अब बात की जाए कन्वेयर की, तो ये कन्वेयर दिया गया है, यहाँ पे आपको भुट्टा डालना है, भुट्टा उठ के आराम से थ्रेशर में जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, ट्रैक्टर उधर लगाना है, भुट्टा यहाँ लगा डालना, बाकी सारे काम अपने आप होता रहेगा। तो दोस्तों, ये कन्वेयर जैसा कि आपको दिख रहा है ये उसका ड्रम्स हो गया। अब आगे की बात करें तो मैंने आपको 5 फैन कहा, तो 5वां फैन यहाँ दिया गया जो कि आपको सिर्फ स्टार थ्रेशर के अलावा हिंदुस्तान के किसी भी थ्रेशर में देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया ताकि माल की बढ़िया से बढ़िया क्लीनिंग हो सके। वहीं अगर दोस्तों टायर की बात करें तो आपको ट्रैक्टर गुड्डी के साथ भी टायर मिल जाएंगे, दूसरी गुड्डी के साथ भी मिल जाएंगे, वो आपकी चॉइस पे कि आप कौन सा टायर लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया स्टार का मक्के निकालने वाला थ्रेशर। थ्रेशर कैसा लगा दिख रहा है? मतलब डिज़ाइन के वाइज तो बहुत शानदार लग रहा है मेरे को, तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। और अगर आपको लग रहा है कि थ्रेशर आपको ख़रीदना है तो नज़दीकी स्टार के डीलर मिल जाएंगे आपको। स्टार थ्रेशर के हर जगह आपको डीलर हैं, चाहे मल्टी क्रॉप लेना, चाहे बेग टोकरी या फिर मक्के का थ्रेशर, आपको सारे स्टार के डीलर के पास मिल जाएंगे। अगर आपको स्टार का डीलर आपके नज़दीक में मिल नहीं रहा है या फिर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया, वहाँ पर आप संपर्क कीजिए और अपने नज़दीकी डीलर का नंबर नाम पता ले लीजिए और वहाँ जाइए, मशीन को देखिए, परखिए और इसकी कीमत के बारे में जानकारी लीजिए। और अगर आपको इसकी नीड है, इसको ख़रीदना चाहते हो, तो आप
खरीद सकते हैं। थ्रेशर किसी भी डीलर से लोग, थ्रेशर स्टार कंपनी का है ये बात आप विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा यह बात आप कमेंट करके बता दीजिए। मशीन के बारे में जानकारी चाहिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए, वहाँ पर आप संपर्क कर लीजिए। और ऐसे वीडियो आप हमेशा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको खेती किसानी के ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।